दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जब भी हम खाता खुलवाते हैं तो हमें इस प्रकार का एक कार्ड दे दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन खाता खोलते हैं तो इस प्रकार कार्ड नहीं मिलता है। आपको कुछ डिटेल जैसे आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी आपको दे दी जाती है, जिसके मदद से काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना। जैसा अभी आप जान रहे होंगे डिजिटल ज़माना आ चुका है, आपको कहीं शॉपिंग ही करना है या कहीं भी आप किसी दुकान पर कुछ खाते हैं उसका भी बिल पे करना है, अपना मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, किसी को पैसा भेजना है, तो इसके लिए इस कार्ड से आप नहीं यूज कर सकते। इससे आप जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसा को निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करेंगे तो इन तमाम फैसिलिटी का जो लाभ है आप बिना बैंक जाए, यानी बैंक में जितने सारे वर्क होते हैं उन तमाम एक्सेस को आपको दे दिया जाता, आप मोबाइल फ़ोन के जरिए ही कर सकते हैं। तो कैसे, अगर आपके पास भी इस प्रकार का कार्ड है तो कैसे इस कार्ड के जरिए आप अपना मोबाइल बैंकिंग यूज करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी और पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो पाएगा। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इसको यूज करेंगे उसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट आप तक पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। बगल में मोबाइल का हम फुटेज लगा देंगे जहां से आप पूरी जानकारी को बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास प्ले स्टोर होगा मोबाइल में, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है IPPB लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने IPPB मोबाइल बैंकिंग करके एक एप्लीकेशन आएगा, जिसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बाद ओपन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार ओपन होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है लॉगिन नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो अकाउंट नंबर आपका जो ये कार्ड होगा, कार्ड के जो पीछे वाले पोर्शन है जिस पर आपको मेंशन कर दी जाती है, या आपने ऑनलाइन ओपन किया होगा तो आपको मिल गया होगा, आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। कस्टमर आईडी आपको डालना है जो कि आपको खाता खुलते समय मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आप अपने ईयर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ होगा मंथ को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो भी डेट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद दो नोट आपको बताया गया, ध्यान रखिएगा इसमें अब नई कुछ अपडेट आई है जो समझना ज़रूरी है। मतलब आप मोबाइल बैंकिंग का उपयोग अब तभी कर सकते हैं जो नंबर आपने खाता खुलाते समय दिया होगा वो नंबर आपके इसी डिवाइस में, जिस डिवाइस से इन तमाम कार्य को आप कर रहे हैं, नेट बैंकिंग उपयोग करना चाह रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग, तो उनमें ये नंबर लगा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इन तमाम डिटेल को डालने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इस प्रकार देखेंगे लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको एम पिन बनाना होता है। देखिए ये एम पिन क्या होता है कि जैसे आप ATM में जानते होंगे आप पैसा जब भी निकासी करते हैं तो आपको 4 डिजिट का पिन मांगा जाता है, तो ये यही पिन है। जब भी आप पैसा का निकासी करेंगे, रिचार्ज करेंगे तो ये पिन आपसे मांगी जाएगी। तो उस पिन को क्या करना है, यहाँ पर आपको डाल देना है, फिर उसी पिन को कन्फर्म आपको कर देना है और नीचे में ऑप्शन मिलता है सेट एम पिन का, सिंपली इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि व्हाट इज द पैलेस ऑफ योर बर्थ, यानी आपका जो जन्म हुआ किस पैलेस पे हुआ उसकी जानकारी बताएंगे। उसके अलावा आपका जो फर्स्ट स्कूल है उसका क्या नाम है उसकी जानकारी आप देंगे। आपका जो फ्रेंड है, फेवरेट फ्रेंड का क्या नाम है उसकी जानकारी देंगे। फेवरेट टीचर का क्या नाम है उसकी जानकारी देंगे। और नीचे में सबमिट का ऑप्शन जो मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार कुछ परमिशन आपसे अलाउ बोलाएगा करने के लिए, आपको अलाउ करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके जो नंबर है उस पर OTP जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। ये ऑटोमेटिक OTP आपका ले लेता है और इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल होता है। अब दोबारा आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब लॉगिन करेंगे तो एम पिन मांगेगा। एम पिन मतलब आपने जो अभी सेट किया होगा वो 4 डिजिट का पिन आप डालेंगे। इस प्रकार लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ध्यान रखेंगे जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो अपना लोकेशन को ऑन कर देंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जहाँ से आप देखेंगे मोबाइल बैंकिंग के लिए जितने सारे वर्क आपके होते हैं वो आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, आप चाहते हैं
कि किन्हीं का अगर खाता पोस्ट ऑफिस में है उसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना, तो विद इन IPPB को चुन सकते हैं। किसी अन्य बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना तो अदर बैंक को भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और यहां से बेनिफिशियरी को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो उनका अकाउंट नंबर, IFC कोड डालकर कंफर्म कर भी पैसा को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहां पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कोई QR कोड कहीं भी आपको जाते हैं, किसी दुकान पे आपको बिल पे करना होता तो नीचे में ऑप्शन मिलता है स्कैन QR कोड, जिस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप UPI सर्विस का भी लाभ ले सकते हैं, इसके थ्रू भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा माई सर्विसेज में आप देखेंगे तो आप कोई भी बिल पे कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा देखेंगे रिचार्ज करना हुआ तो रिचार्ज कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी मतलब बिजली का बिल पे कर सकते हैं। तो कई सारे कार्य आपको दे दिए गए हैं। इसमें सिक्योरिटी का भी खास ध्यान रखा गया है, इसमें आप चाहे तो अपना फिंगर से इसका एक्सेस दे सकते हैं, जिसके लिए ऊपर में 3 लाइन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है फिंगर लॉगिन को, आपको सिंपली यहां से इनेबल कर देना है और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको MPIN नहीं मांगकर आपका फिंगर मांगेगा, फिंगर के मदद से आपका जो ये ऐप है ये ओपन होगा। तो इस प्रकार इस ऐप में आप अपना जो है मोबाइल बैंकिंग को शुरू कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना जो है पैसा भी चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में कितने पैसा है। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस वाले जो अकाउंट से आप फ़ोनपे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोनपे कैसे यूज कर सकते हैं। वो वीडियो हो सकता है जब तक डला चुका होगा तो यहाँ पर आपको बगल में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, उससे जाकर देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है और चाहते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखना, वो भी कॉमेंट करके आप बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।